What's up everybody, you're from Mysteryboy and I'm back with another video. So guys, after so long, मतलब कुछ ज़्यादा ही time हो गया. Seriously यार, it's been very long. काफ़ी time बाद एक video बनने जा रही है. Once again at superbikes by Saraswati motors. Mysteryboy vlogs channel. ये भाई मेरे पास रोज़ आता है लेकिन मैं इतना occupied होता हूँ, इतना busy होता हूँ कि video बन नहीं पाती है. और आपने जो भी question करते हैं ना कि भैया phone क्यों नहीं उठाते, भाई वीडियो मैं जब आता हूँ यहाँ पे मेरे को बताया ना यहाँ पे क्या माहौल चल रहा होता है. तो बस थोड़ा सा टाइड अप रहता हूँ, आप लोगों का जो प्यार है वही बरकरार बना रहता है और काफ़ी सारे भाई बंधु मेरे आते हैं यूट्यूब से मेरी वीडियोस वगैरह देख के, तो थैंक यू सो मच. मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. थैंक्स फॉर ऑल द रिस्पेक्ट जो आप लोग देते रहते हो, इतना सारा प्यार देते रहते हो. ऐसे ही आते रहो, अब सरस्वती मोटर्स पे आओ, वीडियोस बहुत सारी आ चुकी है हमारी. अब सीधा मेरे पास आओ, मिलो मेरे साथ, मेरा सारा स्टॉक देखो, बाइक चला के देखो, जो अच्छी लगेंगी एंड उस बाइक की डील मैच्योर करेंगे. सो गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इस फेवरेट बाइक दिखा रहे हैं हम जो इस वीडियो के अंदर एक काफ़ी मज़ेदार बाइक होने वाली है. सबकी फेवरेट है, सबकी फेवरेट है और एक नहीं दो दो. भाई बहुत टाइम बाद हम फिर से दिखा रहे हैं दो बाइकें. बिल्कुल सही, दो बाइकें फिर से खड़ी हैं आज. और आज तो पूरी शॉप कुछ किसी वजह से काफ़ी खाली पड़ी है. बस थोड़ी सी हमको स्टॉक हटाना पड़ गया यहाँ से क्योंकि हमारे चाहने वाले बहुत सारे हैं हमारे आसपास, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बस मार्केट के अंदर एमसीडी का चक्कर पड़ा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. उसी चक्कर में थोड़ी सी बाइक्स पार्क नहीं हो पा रही है. थोड़ा सा आपको सरस्वती मोटर आज एम्प्टी एम्प्टी सा दिखेगा लेकिन स्टॉक पूरा है. स्टॉक इतना सारा है कि संभले नहीं संभल रहा है. तो बाइक सारी है हमारे पास, उसके बारे में आप टेंशन मत लेना. कमेंट्स में ये मत बोलना भैया की बाइक के कहाँ गई, बाइक के सारी हमारे पास. क्वेश्चन करते थे कि बोर्ड अभी तक नहीं बना है, तो बोर्ड बन चुका है. थोड़ी सी देर में दिखाता हूँ आपको बोर्ड भी, ऑफिस बन चुका है, ऑफिस दिखा दिया, बोर्ड दिखाने की बारी है. Yes, so let's start the video. गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक नई चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, जो किसी वीडियो में नहीं आई है अभी तक. वो है जो इतने सारे क्वेश्चंस आते थे कि भैया का बोर्ड क्यों नहीं लगा है, बोर्ड कहाँ है. सो दिस इज़ आर न्यू बोर्ड, सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स, विद आवर फेसबुक पेज भी नीचे दिया हुआ है. आर एड्रेस इज ऑल्सो मैंशन, यस, एंड दीज आर ऑल द ब्रांड्स इन विच वी डील इन. तो पहले मुझे ये बताइएगा आपको बोर्ड कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में डू गिव इन योर वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने सारे कमेंट्स देना. ये बोर्ड मैंने डिज़ाइन करा है तो इसके अंदर काफ़ी मेरी मेहनत है. मैंने काफ़ी टाइम से इसको देखने परखने के बाद अपने हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है. तो ये बोर्ड कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बाइक्स नाउ. सो गाइस, इस वीडियो के अंदर जिन बाइकों की बात हो रही है शायद थंबनेल में देख ले होगा आप लोगों ने, दैट इज़ योर बेनेली 600i. ये दो बाइकें आज खड़ी हैं हमारे सामने, एक ये लेफ्ट साइड में रेड एंड ऑन द राइट साइड इज़ योर वाइट कलर. सो शुरुआत करते हैं पहले सुर्ख लाल से. दिस इज़ योर 2016 मैन्युफैक्चर एंड 16 रजिस्टर्ड बाइक, यूपी 14 गाजियाबाद इंद्रापुरम रजिस्ट्रेशन है इस बाइक का. कंडीशन देखिए आप लोगों के सामने है, सिनेमैटिक्स भी आपने देख लिए होंगे, आई होप आपको पसंद आए होंगे. इसके अंदर एक्सिल का X55 एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दिस इज़ ओरिजिनल एग्जॉस्ट, ओरिजिनल बिल्कुल. उसके साथ अगर थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो मिशेलिन के रोड पायलट 4, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट टायर्स अवेलेबल, नए टायर लगे, दिस इज द ब्रांड न्यू टायर इंस्टॉल्ड. साथ ही में इसके अंदर डीएनए का एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर डीएनए का एयर फिल्टर लगा हुआ है, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट
फाइनेस्ट एयर फिल्टर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ. लाइफ टाइम एयर फिल्टर है, कभी भी आप सर्विस कराओगे एयर फिल्टर चेंज नहीं होगा. यू जस्ट हैव टू क्लीन इट एंड पुट इट बैक इन. तो सर्विस कॉस्ट आपका काफ़ी रिड्यूस हो जाता है जब एयर फिल्टर ऐसे लगे होते हैं. तो उसके अलावा बाइक में कुछ एक्सेसरीज नहीं है, हॉर्न्स वगैरह लगे हुए हैं जो कोई यूज़ करता नहीं है. आगे का टायर भी आप देख सकते हो, टायर कंडीशन इज़ गुड. आई वुड से स्टिल 50-60% ऑफ टायर इज देयर. बेनेली 600i की खासियत ये है कि ये 4 सिलेंडर बाइक इनलाइन 4 सबसे छोटे बजट में, मतलब सबसे कम रेंज के अंदर आपको एक 4 सिलेंडर बाइक मिल जाती है. और आवाज़, इसकी आवाज़ के तो क्या ही कहने हैं. तो इसकी आवाज़ ही है जो इसकी एक पहचान बन चुकी है इंडिया के अंदर. दैट्स वाई ये काफ़ी लोगों की फेवरेट बन चुकी है. दिस इज़ अ वेरी नाइस बाइक, बहुत अच्छी है, मज़ेदार है, स्मूथ है, इतनी पावरफुल नहीं है, बट आवाज़ इसकी ज़बरदस्त है. सो चलते हैं दूसरी बाइक पे दोस्तों. द नेक्स्ट बाइक विच इज़ हेयर इज़ बेनेली 600i अगेन. ये भी 2016 की है, बट दिस इज़ ABS वेरिएंट. इसके अंदर ये ABS का स्विच दिया हुआ है और स्पीडोमीटर में भी ABS लिखा आता है. यू कैन सी द ABS ओवर देयर. रेड वाली जो थी वो नॉन ABS थी, दिस इज़ योर ABS वेरिएंट. दोनों बाइकें काफ़ी साफ़ है. इसके भी आप देखिए एक बारी. दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल बाइक, एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर. इसके भी सिनेमैटिक्स आपने देखे होंगे. इस बाइक के अंदर अगर एक्सेसरीज की बात करी जाए तो इसके अंदर आगे लगा हुआ है पहले फोक प्रोटेक्टर्स, उसके बाद इसके अंदर लगा हुआ है क्रैश गार्ड. साथ में इसके अंदर आपको मिलते हैं ये छोटी सी साथ में टैंक ग्रिप्स और टैंक पैड. और लास्ट में आपको मिलता है ये कस्टम एग्जॉस्ट. दीज आर योर कस्टम एग्जॉस्ट, जिनकी आवाज़ काफ़ी लाउड है, काफ़ी अच्छी आवाज़ है. बट दिस आर नॉट टाइटेनियम, ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं है दोस्तों. ये फर्स्ट कॉपी रेप्लिकास है, सिर्फ स्लिप ऑन्स है, तो इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. फुल सिस्टम लगवाने जाओ तो हमेशा मेक श्योर कि वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक होना चाहिए. ये स्लिप ऑन्स हैं, काफ़ी मीठी आवाज़ है, मज़ेदार आवाज़ है. ओवरऑल बाइक की लुक्स के साथ आप बताइए आपको एग्जॉस्ट कैसे लग रहे हैं, अपने भी रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा. वाइट कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है और जब वाइट के सामने लाल खड़ा हो तो लाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है. दोनों बाइक्स एक से बढ़कर एक है गाइस. एंड ये वाली जो बाइक है ये चली है 15,000 किलोमीटर. अब इसमें देखिए यहाँ पे ABS की लाइट नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे इंडिकेटर का होता है. अब एक लेफ्ट का इंडिकेटर जलाएंगे तो ये नीचे लेफ्ट, ऊपर करेंगे तो ऊपर राइट. तो इसके अंदर ABS का साइन नहीं होता है, दैट मीन्स दिस इज़ द नॉन ABS बाइक. और यहाँ पे एक जो ABS का बटन दिया होता है इधर, वो भी इसके अंदर नहीं है. दिस इज़ नॉन ABS. 15,341 किलोमीटर्स डन. गाइस आई होप आपको आवाज़ पसंद आई होगी. दोनों में से कौन सी बाइक की आवाज़ पसंद आई नीचे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा. कौन सी अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, या दोनों अच्छी लगी या दोनों बुरी लगी, जो भी आपको पसंद हो नीचे कमेंट्स देना मत भूलिएगा. रही बात इन दोनों के प्राइसिंग की, तो प्राइसिस की अगर बात करी जाए, दोनों 2016 मॉडल है. ये वाली नॉन ABS है, ये वाली ABS है. नॉन ABS का जो प्राइस हम रखा हुआ है दैट इज़ 4.45 लाख, 4,45,000 रुपये की आपको ये मिल जाएगी. और ये जो ABS वाली है
दिस विल बी फॉर 4,75,000, 4,75,000 रुपये आपको मिल जाएगी। तो मोटा मोटा 30,000 रुपये का फ़र्क है इन दोनों बाइकों के अंदर, ओनली बिकॉज ABS एंड नॉन ABS। उसके अलावा देर इज़ नो सच डिफरेंसेज। इसमें एक्सिल लगा हुआ है X55 ओरिजिनल, इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ये रेड कलर की है, ये वाइट कलर की है, ये 15,000 चली है, ये चली है 9,000। उसके अलावा छोटे मोटे बस एक्सेसरीज का ही फ़र्क है, लेकिन बोथ द बाइक्स आर इन एक्सट्रीमली गुड कंडीशन। चाहे लाल हो, बिल्कुल सुर्ख लाल, साफ सुथरी है, चाहे वाइट क्यों ना हो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन बाइक। दोनों बाइकें बहुत साफ़ हैं, सारा स्टॉक सामान भी आपको दोनों के साथ मिलेगा, स्टॉक एग्जॉस्ट जो है दोनों के अंदर आपको साथ में दिए जाएंगे। सो गाइज, यही था हमारा आज का वीडियो बेनेली 600i को लेके, जो गाइज आपकी बहुत डिमांड रहती है बेनेलीज को, बेनेलीज का आग लगा हुआ है मतलब मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा डिमांड आज की डेट में बेनेलीज को लेके है, एंड आज हमारे पास एक नहीं दो दो बेनेलीज, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। सो दोनों में से कौन सी अच्छी लगी गाइज, नीचे अपने कमेंट्स दो, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स विद एवरीवन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स को। यस, मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा कंटेंट रोज रोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स, एंड अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा दोस्तों। गाइस एक इंस्टाग्राम का जो बताने जाता था, हम दोनों का तो है ही आ रहा, फ्लैश हो रहा होगा, और एक शॉप का अलग से है जो यहाँ कहीं फ्लैश हो रहा होगा, तो उसको भी जाके फॉलो करें। अब एक इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक ऑफिशियल पेज बन गया है बाय द नेम ऑफ Saraswati_motors के नाम से है, जिसके अंदर सारी सुपर बाइक्स जो हमारे फेसबुक पेज पे रहती हैं, वो सारी सुपर बाइक्स अब हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी है। आप सुपर बाइक्स में सरस्वती मोटर्स के नाम से भी सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी सारी फोटोज, डिटेल्स, प्राइस, एवरीथिंग इज मेंशन ओवर देयर, एंड उसको भी पेज को फॉलो कर लो, उसको भी जरूरत है काफ़ी। अभी सिर्फ 500-600 ही फॉलोअर्स है उस पेज के ऊपर, अभी नया लेटेस्ट बनाया है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट फॉलो बटन ऑन द इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, अगर ऐसी आप बाइक्स के बारे में रोज़ रोज़ देखना चाहते हो, नया स्टॉक के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो, तो वहाँ पे भी जाके उसको फॉलो का बटन लू को हिट करके करें। और गाइस अब जो भी नया नया स्टॉक आता जाएगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे, काफ़ी हद तक नई नई बाइक्स आ चुकी हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा मानसून सीजन की वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, अब मानसून थोड़ा सा सेट होने लग गया है, सो इट्स टाइम दैट वी आर बैक इन फॉर्म, बैक इन ट्रैक अगेन वंस अगेन। तो अब नई नई वीडियोस आती रहेंगी, काफ़ी सारी नया स्टॉक आया है, डुकाटीज मेरे पास नई नई आई है बहुत सारी बाइक्स, एंड ट्रैम्स के अंदर भी वी हैव स्टार्टेड डीलिंग, तो ट्रैम्स के अंदर भी मेरे पास 3-4 बाइकें आई हैं। सो काफ़ी सारी नई बाइक्स हैं जो अभी तक मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स ने कवर नहीं करी है, तो कवर करने जा रहे हैं, अब चालू कर दिया है इस कार्यक्रम को। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वो घंटे वाला आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जो भी ये पोस्ट करता रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन See you.